अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छे हैं आप? आज हम आपके लिए नकोश आई किसी मंथ का, जून का, इस मंथ का 7 जून को जो पेपर हुआ वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसका टास्क वन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। टास्क वन का सोल्यूशन के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए हैं हमारे लिए। अट्रैक्टिव होकर बैठिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये सारी चीजें वर्क प्लेस में भी आपको काम आने वाली हैं। आपकी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको हर रिपोर्ट ऐसे बनानी है, आपकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को भी आपने ऐसे ही बनाना है। तो बहुत ध्यान से अच्छे से सीखेगा। स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका सिनेरियो है, एक पॉपुलर इंडिपेंडेंट फास्ट फूड आउटलेट का सिनेरियो है, जिसमें एक किचन इन्होंने बताया है। आपको पता है सिनेरियो हमेशा एक एक्सीडेंट सीन होता है। यहाँ पे एक्सीडेंट सीन किचन का है, जहाँ पे स्लिप ट्रिप फॉल के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो गए। प्रीवियसली भी होते रहे, कभी भी हो रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट्स। तो इस चीज के हवाले से पूरा सिनेरियो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, सिनेरियो आपके सामने है, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आपका मजीद टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, हम ट्रैक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? 17 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आता है 15 नंबर, 20 नंबर, 25 मार्क्स का आता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर के बारे में, यूजिंग द जनरल हायरार्की कंट्रोल एज अ फ्रेमवर्क। आपने जो फ्रेमवर्क बनाना है वो जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर का बताना है। कमेंट ऑन हाउ द रिस्क ऑफ द फॉल इन द किचन कैन बी मिनिमाइज्ड। हम कैसे कर सकते हैं किचन में जो रिस्क ऑफ फॉल है, स्लिप होने के जो चांसेस है, उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? नोट, अभी आप ये इसे आप गौर से पढ़िएगा हमेशा जी। नोट को निपोश आपको हमेशा घुमाता है, निपोश आपको हमेशा टेस्ट करता है, आपके नॉलेज को चेक करता है। या ऊपर कहीं पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देगा, अगर वो क्लियर है, क्लियर स्टेटमेंट है, नीचे नोट में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देता है। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा आपको क्या मेंशन करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। अभी आप देखते हैं नोट में, हाउ मस्ट यू मस्ट रिस्पॉन्ड रिस्क मिनिमाइजेशन विद द जनरल एलिमेंट्स ऑफ द हायरार्की। वही बात है जो ऊपर पूछी गई क्वेश्चन में। यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। जब वो नीचे ये वाला वर्ड ऐड कर देता है, सेंटेंस ऐड कर देता है, आपको ओपन कर देता है, सारी इंफॉर्मेशन सिनेरियो से होनी चाहिए। अगर आप जनरल स्टेटमेंट आंसर में देते हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी हम टास्क का सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। टास्क वन का सोल्यूशन क्या कहता है हमें, इसे अभी आप समझने की जरूरत है। क्या बोलता है? हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हम कैसे शो करते हैं याद रखने के लिए, इरेक्टिविटी के वर्ड के साथ हम इसे याद रख लीजिए। हायरार्की ऑफ कंट्रोल को ERICPD के नाम से। तो उसमें क्या क्या चीज आती है? ई फॉर एलिमिनेशन, जब भी हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, हैजर्ड देखते हैं, रिस्क देखते हैं, नियर मिस देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है एज अ कॉम्पिटेंट एचएस पर्सन, उसे एलिमिनेट करना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं तो रिड्यूस करना चाहिए या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। बड़े हैजर्ड की जगह पे, बड़े खतरे की जगह पे छोटा खतरा इंट्रोड्यूस करवा दें। हम एक्टिविटी को नहीं रोक सकते हैं। आई मीन आइसोलेशन, सी मीन कंट्रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, PPE, डी डिसिप्लिन है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का हिस्सा है। वन हम देखते हैं एलिमिनेशन, हम कैसे एलिमिनेट करेंगे एकदम, हम हैजर्ड को कैसे खत्म कर सकते हैं। द रिस्क ऑफ स्लिप कैन बी एलिमिनेटेड इन द किचन ऑफ अ पॉपुलर इंडिपेंडेंट फास्ट फूड आउटलेट बाय रिमूविंग अ लीकेज आइस मशीन और प्रिवेंट वाटर लीकेज ऑफ द फ्लोर। तो हम इसे खत्म कर सकते हैं स्लिप हैजर्ड को, आइस मशीन को रिमूव करके, या लीकेज हैजर्ड को रिमूव करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं स्लिप हैजर्ड को। तो एलिमिनेट द स्लिप रिस्क, वाटर लीकेज एंड स्पिलेज ऑन द फ्लोर कैन आल्सो बी स्टॉप फिक्सिंग द लीकेज आइस मशीन। तो कहते हैं कि हम स्लिप ट्रिप रिस्क को हम कैसे मजीद खत्म कर सकते हैं? तो लीकेज को रोकने के लिए स्पिलेज खत्म करनी पड़ेगी। जो स्पिल हो रहा है पानी, जो लीक हो रहा है आइस मशीन से, उसे रिड्यूस करके उसकी मेंटेनेंस कर दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं इमीडिएटली ड्राइंग, हम कोई ऐसा प्रोसीजर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें
कि जितनी भी लीकेज होती है उसे इमीडिएटली ड्राई कर दिया जाए, फ्लोर को वेट होने से बचा लिया जाए। सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे हम? स्लिप रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय बिल्डिंग अ स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसा कि आपने सिनेरियो में देखा कि 15 साल पहले ये फ्लोर बनाया गया था, इसमें क्रैक्स मौजूद हैं और स्लिप होने की जो इस सलाहियत है इसके अंदर वाटर स्पिलेज के बाद में, जितना ज्यादा ये स्लिप होता है, खत्म करने के लिए हम कोई स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोर जैसी कोई चीज वहां पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 0.5 है स्पिलेज रिस्क कैन आल्सो बी मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई और कैसे आइडिया ले सकते हैं? गुड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड के हम कोई चीपर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करें किचन में। पॉइंट नंबर 6 है सब्स्टिट्यूटिंग द माल फंक्शन आइस मशीन विद द न्यू वन कैन आल्सो मिनिमाइज। तो अब ऐसा बताना चाह रहा है आपको पॉइंट नंबर 6 में कि जो माल फंक्शन आइस मशीन है, जो खराब आइस मशीन है, उसकी जगह पे आप नई मशीन लेके आ जाए, सब्स्टिट्यूट कर दें उसे। पॉइंट नंबर 7 है ड्राइंग द वेट फ्लोर बाय यूजिंग गुड क्लीनिंग एंड ड्राइंग प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स। तो ये हम एक तरीका यूज कर सकते हैं कि कोई भी क्लीनिंग के लिए जो हम केमिकल यूज करने चाहिए, मटेरियल यूज करने चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए, उसका जो इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए होंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हम क्या यहाँ पे मेंशन करना चाहिए? लाइट वहाँ पे अगर हम प्रॉपर प्रोवाइड कर दें तो चांस कम हो जाएंगे, लोगों को नजर आएगा पानी है फ्लोर पे तो वो अपनी तरफ से एहतियात करके ही चलेंगे। पॉइंट नंबर 9, हम अगर उस एरिया को बैरिकेड कर दें, वहां पे सैनिटाइज लगा दें, तो भी हम स्लिप को कंट्रोल कर सकते हैं, इंजरी कंट्रोल में आएगा। अप्लाइंग फ्लोर ट्रीटमेंट विद स्लिप रेजिस्टेंट मटेरियल, एंटी स्लिप टेप्स, मैट्स एंड कवर्स एंड ग्रेटिंग टू रिड्यूस द स्पिलेज रिस्क इन द किचन। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करके स्लिप रेजिस्टेंट मटेरियल अगर वहां पे अप्लाई कर दिया जाए, एंटी स्लिप टेप्स वहां पे लगा दी जाए, मैट्स डाल दिए जाए फ्लोर के ऊपर, उसे कवर कर दिया जाए, ग्रेटिंग कर दी जाए, तो इससे स्पिल खत्म हो जाए और ट्रिप स्लिप हैजर्ड खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11 है जो प्रोवाइडिंग एन एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहां पे प्रोवाइड करते हैं कि जो चीज जो पानी जो स्लिप हो रहा है मशीन से, आइस मशीन से, कोई ऐसा प्रोसेस वहां पे कर दिया जाए कि वो सीधा जाके ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाए, फ्लोर पे आए ही नहीं। पॉइंट नंबर 12 है रिप्लेसिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स को रिप्लेस कर दिया जाए क्योंकि इसकी सरफेस बहुत खराब हो चुकी है, नई गुड जो है स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर टाइल्स यूज कर ली जाए वहां पे। एडमिन कंट्रोल में हम क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 13 है इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट ड्राइंग एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स टू क्लीन अप द स्पिल्स इमीडिएटली। तो इसमें कोई ऐसा प्रोसेस वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि क्लीनिंग के प्रोसीजर्स को फास्ट वहां पे करना चाहिए, अच्छी क्लीनिंग्स अगर होती रहे वहां पे तो भी मिनिमाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14 हम देखते हैं रिड्यूसिंग द वर्कर्स एक्सपोजर टू स्लिप हैजर्ड्स बाय रिड्यूसिंग द ड्यूटी आवर्स। अगर लोगों के ड्यूटी आवर्स कम कर दिए जाए, 12 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे कर दिए जाए, 10 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटा कर दिया जाए, तो इससे भी जितना टाइम कम होगा उतना लोग वहां पे कम जाएंगे, तो उससे भी हम एक तरीके का ये भी यूज कर सकते हैं तरीका स्लिप को खत्म करने का, रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन सेफ हाउसकीपिंग एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। लोगों को टीच एंड ट्रेन किया जाए हाउसकीपिंग के हवाले से, इंपॉर्टेंस ऑफ द हाउसकीपिंग के हवाले से कि हाउसकीपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, तो हाउसकीपिंग स्टाफ अच्छे से काम करेगी और ये हैजर्ड नहीं हो जाएगा, रिस्क नहीं हो जाएगा स्लिप रिस्क। मैनेजर्स कैन रिड्यूस द स्लिप रिस्क इन द किचन बाय रेगुलरली सुपरवाइजिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस एक्टिविटी इन द किचन। अगर मैनेजर्स अपने सारे काम में किचन के एरिया को सुपरवाइज का काम भी अगर अपने जहन में रखें कि वहां जाके वो सुपरवाइज करें, इंस्पेक्शन करें, लोगों को टीच एंड ट्रेन करें, तो भी हम कम कर सकते हैं स्लिप को। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपीई है लास्ट, यही होता है पीपी होता है हमेशा हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, इसमें लास्ट पीपीई ही है। पॉइंट नंबर 17 है वर्कर शुड वियर स्लिप रेजिस्टेंस शूज कैन रिड्यूस द स्लिप कवर्स इन द किचन। इसमें हम ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लिप को कम कर सकते हैं अगर लोगों को हम
स्लिप रेजिस्टेंस शूज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी अगर अच्छे शूज उसने पहने हुए हैं, उसके नीचे स्लिप रेजिस्टेंस मटेरियल तरह का कुछ ऐसा होगा शूज के नीचे, तो भी लोग स्लिप नहीं होंगे, उतना ज्यादा स्लिप नहीं होंगे। एक पॉइंट है कि कम हो जाएगी, स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत जी आपको समझ आ गया होगा, 17 नंबर का क्वेश्चन था, ये 17 पॉइंट्स आपके सामने हैं। जब भी हायरार्की ऑफ कंट्रोल में या अगेन कोई क्वेश्चन ऐसा है, ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट पेपर्स के लिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी, सॉर्ट आउट करने के लिए। होप आप समझ होंगे। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो क्वेरीज होगी ट्राई टू स्टार्ट। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 3 दिन के बाद, 3 डेज, बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।